पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव में केरल से अब्दुल सलाम को उम्मीदवार बनाए जाने पर और दूसरे प्रदेशों में मुस्लिम समुदाय को टिकट देने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर जफर इस्लाम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देखिए अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है, शेष आनी बाकी है। जो भी सही कैंडिडेट होगा, जिनकी जमीन पर सही पकड़ है, पार्टी ऐसे लोगों को मौका देती है और मिलेगा भी। वो आपके सामने है, केरल में टिकट दिया गया है। देखिए अभी तो पूरी लिस्ट भी नहीं आई है, अभी तो 195 आई है और आगे हर दिन आने वाली है लिस्ट। उसमें जो भी विनेबल कैंडिडेट होंगे, जिनको लगता है कि वो जीत पाएंगे, जमीन में उनकी पकड़ है, पार्टी ऐसे लोगों को मौका देती है। आपके सामने है, केरला में अब्दुल सलाम साहब को दिया है। आगे और भी कोई ऐसा प्रत्याशी हो सकता है जो मजबूत है जमीन पर, तो उसको जरूर मिल जाए। सर, MIM ने भी जो 7 सीटों पर ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल है, प्रभात संबल अमरोहा। अब देखिए हर पार्टी अपने अपने बारे में बात करती है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, वो क्या करना चाहते हैं, प्रत्याशी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, अब तो उनका सोचने का तरीके। सर, मुरादाबाद सीट की क्या किसी तरीके का कोई डाउट है या जो अब तक टिकट की घोषणा नहीं हो पा रही है? मुरादाबाद अकेले तो है नहीं, अभी तो 51 सीट के ऊपर नहीं, लेकिन सर आपकी एंट्री बीच में होती है और यहाँ पे मुकाबला जो पहले भी सर्विसिंग भी यहाँ से थे और भी कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं, तो क्या किसी तरीके की कुछ मतलब विवाद है या कोई ऐसा? कोई विवाद नहीं है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस में जो भी पार्टी जिसको भी समझेगी कि ये सही कैंडिडेट है, वो पार्टी उसको मौका देगी। इसमें ना कोई विवाद है, ना कोई परेशानी की बात है। वो प्रोसेस में अभी बहुत सारे स्टेट में थोड़े थोड़े सीट्स अनाउंस किए हैं, जैसे जैसे डिस्कशन होता है, एक दिन में 3 बजे 3:30 बजे रात तक प्रधानमंत्री जी, 3:40 तक प्रधानमंत्री जी कार्यालय में रह के एक दिन में पूरा डिस्कशन नहीं हुआ, फिर बाकी सीटों पर चर्चा होगी, उसके बाद उसको भी अनाउंसमेंट होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।